तो चेप दिया। अभी अगला कदम क्या होगा मंत्री जी? चेप रहे ना इनको। लाल डायरी की डायरी की लेडी घर पे आती है क्या? अच्छा। बकवास कर रहे। मैं मेरे पिता के साथ में विधानसभा में ऐसा व्यवहार मंत्री होते हुए जी। हो तो किसी की जरूरत थी ना, किसी की जरूरत है? मैं 2 साल रहा हूँ वहाँ पे किराए पे, रहने का किराया दिया इनको जी। समझ रहे हैं आप? हम गुड़ा हमारे साथ मौजूद है। जिस प्रकार हम बात करें कि ऊंट गाड़ा यात्रा निकाली जा रही है मंत्री राज सिंह गुड़ा के द्वारा, और उसमें मंत्री राज सिंह गुड़ा के पुत्र शिवम गुड़ा भी पूरी तरीके से अपनी टीम के साथ चल रहे हैं ऊंट गाड़ों के साथ, और आज देसी तरीके में हम इनका एक इंटरव्यू करेंगे। शिवम राज, जिस प्रकार हम बात करें कि लाल डायरी का एक बहुत बड़ा फंडा है जो चल रहा है, क्या कहें? देखिए, कोरा कागज तो था नहीं, बुद्धिजीवियों की सरकार है, 4-4, 5-5 बार के मंत्री हैं, इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो लेके बैठे हुए लोग हैं, वो लोग हैं जिन्हें 40-40, 50-50 साल राजनीति करते हो गए जी। तो अगर कोई स्टेशनर पे मिलने वाली कोई लाल कोरे कागज वाली डायरी थी तो मेरे हिसाब से एक सरकार को जो इतने फर्जीवाड़े पकड़ती है जी। अगर वो फर्जी थी तो बाद में क्या मतलब था उस डायरी के पीछे जाने का? हमारी तूती बोल जाती। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि जब मंत्री गुड़ा के पास वो लाल डायरी है तो वो उनको मीडिया के सामने क्यों नहीं ले आते? तो विधानसभा के अंदर के वीडियो आए होंगे आपके पास। सबसे बुरा मुझे लगा था, मेरे पिता के साथ में विधानसभा में ऐसा व्यवहार मंत्री होते हुए हो सकता है? तो विधानसभा विधानसभा नहीं है सब। आपके मतलब द्वारा कहा जा रहा है कि बदला लिया जाएगा, आखिर किस बात का, कैसे बदला लिया जाएगा? हासल सर में आज से 4-5 दिन पहले, मुझे नहीं पता आपने कवर किया नहीं करा जी। हासल सर में एक बच्ची अपने घर सो रही थी, उसके परिवार के बीच में आकर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, उदयपुरवाटी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हासल सर गांव पड़ता है, झुंझुनू बॉर्डर पे, उस बच्ची का गला काट दिया जाता है, खंजर रोप दिए जाते हैं, परिवार ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उनके सिर में लठ मारे जाते हैं, सिर्फ फाड़ दिए जाते हैं। ऐसी अनगणित घटनाएं हो चुकी हैं। अगर ये बातें हम अगर विधानसभा में उठा नहीं सकते, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात, हमारे गांव की बात हम रख नहीं सकते, हम ये नहीं बोल सकते क्या सब मणिपुर की क्या बात है, राजस्थान को देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात अगर हम नहीं बता सकते, हमारे प्रदेश की बात अगर हम नहीं बता सकते तो विधानसभा क्या मतलब है? बात विधानसभा होती क्या है? किस चीज़ के लिए विधानसभा? अपनी बात रखने के लिए। सरकार अपनी योजनाएं बताए, सरकार अपनी उपलब्धियां बताए, अगर ऐसा कुछ है, कोई ईमानदार आदमी है तो सरकार अपनी कमियां भी बताए जी। विपक्ष उसमें अपना विपक्ष सरकार को उनकी कमियां गिनाने में विपक्ष सक्षम नहीं था जी। हमने गिना दी तो चेप दिया। अभी अगला कदम क्या होगा मंत्री जी? चेप रहे ना इनको। फेज 1 चल रहा है साहब यात्रा का जी। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरी होती है पूरे राजस्थान में निकल जाएंगे। ये यात्रा पूरे राजस्थान में निकलेगी? निकल सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, निकल सकते हैं। लेकिन मंत्री जी के साथ जो विधायक थे उनका अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ऐसा क्यों? देखिए, ना तो किसी की जरूरत थी ना किसी की जरूरत है। ये जो लोग साथ में चल रहे हैं, ये किराए पे बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये जो लोग 20-20, 30-30 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, ऊंट गाड़ों पे चल रहे हैं, एक बम्बई से लोग भाग आए हैं, दूर दूर से लोग भाग आए हैं, क्योंकि किराए पे बुलाई हुई भीड़ नहीं है। यहाँ जितने भी बच्चे चल रहे हैं, अमूमन आप देखते होंगे किसी कोई रैली है और है तो किराए पे बुलाई हुई भीड़ होती है, उसके अंदर लोगों को पता नहीं होता किस लिए भाग रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं रैली में? हम आज से तीन दिन पहले झड़ाया नगर से निकले थे, तब से ये रैली आगे से आगे बड़ी से बड़ी संख्या में चल रही है जी। बड़ी से बड़ी संख्या में। इसका समापन कहाँ होगा? समापन हमारा रूट बन रहा है आगे से आगे, लोग बाग गाँव में रुका रहे हैं, जहाँ पर अंधेरा होता है हम वहाँ डेरा डाल देते हैं, जितने गांव दिन में कवर कर रहे हैं, 2-3 घंटों में अगले से अगली मीटिंगें हो रही हैं, लोगों का समर्थन भी देखने को मिल रहा है। पूंख में अच्छी मीटिंग हुई कल, गुड़ा में अच्छी मीटिंग हुई, अब गुड़ा ढेर में अच्छी मीटिंग हुई, नेवरी में हम रुके थे कल, उससे पहले खो में मीटिंगें हुई, मंडावरा में, उससे पहले मावता रुक गए थे, फिर उससे पहले अडवाणा में, कालसंगडाणी, झाज, और ये जो रूट रहा पूरा बहुत शानदार तरीके से लोगों का जो रिस्पांस आ रहा है। नहीं, अगर मैं आपको बताऊं कि हमें तो बर्खास्त कर ही दिया था, फिर लोग क्यों चल रहे हैं हमारे साथ में? विधायक ही तो हैं, क्यों चल रहे हैं लोग हमारे साथ में? कोई बोले राज की वजह से, राज के 4 महीने बचे हैं, राज की वजह से कोई नहीं चल रहे हैं। शिवम, जिस प्रकार बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने भी लाल डायरी का जिक्र किया कि कांग्रेस का डब्बा गोल कर देगी, इसमें क्या कहें? करती इस, देखिए मेरी बात, अब मैं आपको अपने आप को क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ बीजेपी से हमारा कोई नाता नहीं है, ना कभी था,
अगर कोई हमें हमारे प्रति हमदर्दी जताना चाह रहा है तो हमारे प्रति, अगर लोगों की हमदर्दी बहुत है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की हमें जरूरत नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं। अगर बीजेपी कह रही है इसमें अपनी संवेदना जता रही है तो उनके राज्य में कैसा माहौल था वो बता दें। मणिपुर उन्हीं का तो है। आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के सह पे ये काम हुआ, मंत्री जी ने विधानसभा में बीजेपी को एक पॉइंट दे दिया मुद्दा उठाने। ऐसी कोई बात नहीं, हम तो पहले भी बोलते आए हैं, हम तो पहले भी बोलते आए हैं। इस सरकार को, जब ये सरकार लंगड़ी थी, बैसाखियों पे चल रही थी, तब मजबूत फाउंडेशन के लिए 6 विधायक गए थे कि ये सरकार कोई खड़ा फैसला कर ले, किसी समाज के किसी जाति के रूप में इनको दबना ना पड़े, अपने डिसीजन से बैक ना होना पड़े, मजबूत करने गए थे, इन्होंने तो चेप दिया। विद्रोह क्यों हुआ? मुख्यमंत्री को 2 बार मुख्यमंत्री बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा था मंत्री गुड्डा का, ये विद्रोह क्यों हुआ? विद्रोह इसीलिए हुआ कि जिस चीज को सोचकर इस सरकार को मजबूती दी गई थी उस चीज को सर ये सरकार फेल रही है। मैं आपको बता दूं कि 13-13 बार पेपर लीक हो जाते हैं, 100 भर्ती आती है, 100 वैकेंसी आती हैं, साथ साथ 8-8 लाख फॉर्म भर देते हैं, उनमें से 100 ही लड़के तो लगने हैं, 100 ही लड़के लगने हैं, 6.5 लाख और लगभग 99,900 लड़के तो ऐसे ही वापस आएंगे, उसमें भी पेपर लीक हो जाता है, ये कोई बात थोड़ी है। अभी अगला कदम क्या होगा मंत्री जी का, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? चुनाव नजदीक है, कोई पार्टी नहीं चाहिए हमें, कोई पार्टी नहीं चाहिए हमें। ये 20-30 किलोमीटर जो लोग ऊंटों ऊंट गाड़ों के साथ रात को रुक रहे हैं, इन्हें आपको लग रहा है ये पार्टी के पीछे दौड़ रहे हैं? पार्टी से तो हम निकाल दिए गए, मंत्री पद से तो हम बर्खास्त कर दिए गए, आपको लग रहा है किसी पार्टी के मोहताज है ये? नहीं। लाल डायरी के पत्ते आखिर कब खुलेंगे? देखिए ये प्रकरण तब का है जब गहलोत सरकार होटलों में चल रही थी, 2-2 महीने 3-3 महीने ये होटलों में पड़े रहे थे, फेयरमोंट होटल जिनमें वैभव जी गहलोत की पार्टनरशिप है, दिल्ली रोड के ऊपर नाले में बनाया हुआ होटल है, किसी सरकार में राज था बना दिया नाले के अंदर होटल, उसमें सरकार बैठी हुई थी, CMR के अंदर मंत्रिमंडल ये विधायक दल की बैठक चल रही थी, 100 से ज़्यादा विधायकों के बीच में से मंत्री जी को उठाया मुख्यमंत्री गहलोत जी ने और उन्होंने कहा कि गुड़ा मेरी लाइफ लाइन तेरे हाथ में है, वो धर्मेंद्र जी राठौड़ के राठौड़ साहब ने ये कहा कि उनको मैंने अपने घर पे रखा है। राठौड़ साहब बोल रहे हैं कि लाल डायरी का कोई मुद्दा ही नहीं है, लाल डायरी में रखता ही नहीं हूँ, मैं दूसरी डायरी में दिनचर्या लिखता हूँ। दिनचर्या की डायरी थोड़ी थी वो, बोल रहे हैं कभी आपके साथ लाल डायरी की डायरी के लिए ईडी घर पे आती है क्या? वो बोल रहे हैं धर्मेंद्र राठौड़ बकवास कर रहे। मैं आपको बताऊं, 8वीं मंजिल सोमदत्त अपार्टमेंट रूबी टावर, मैं 2 साल रहा हूं वहां पे किराए पे, रहने का किराया दिया इनको, समझ रहे हैं आप, रखा नहीं था किराया दिया रहने का, और उसके बाद में ईडी का सीजर तोड़ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कहने पे, जिस आदमी को वो पूरे राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर का भार है, जो पुलिस पूरी पुलिस प्रशासन को चलाते, जो गृह मंत्री है, उन्होंने कह दिया ईडी से सीजर तोड़ो, उनसे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं जी। लेकिन आरोप लगा रहे कि मंत्री गुड्डा ने भी ये गलती की है, इतना बड़ा पनाह दिया उनको, मतलब 150 उनके CRPF के जवानों के बीच में जाकर वो उन्होंने इतना बड़ा एक गलत काम किया, किसके कहने पे किया? उस कुर्सी के कहने से कहा, उस पद के कहने से कहा जिसमें पूरे राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर टिका हुआ है, अगर वो पद ही भ्रष्ट है तो क्या करे। लाल डायरी की कभी पहले आपके साथ भी चर्चा हुई थी मंत्री जी की लाल डायरी को? ऐसा बैठते ही थे हम तो होटलों में भी बैठते थे, फेयरमंड होटल में हम सारे बच्चे रहते थे, वहाँ सब मंत्रियों के बेटे रहते थे, बच्चे रहते थे, आते थे, चर्चा भी होती थी, आपस में मजाक भी होती थी। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा था कि देखो हॉलीवुड में एक्टर होना चाहिए, मंत्री जी को ये कहा था कि देखो हॉलीवुड में एक्टर होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहा है। उदयपुर रोटी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? लड़ रहे हैं हम, संघर्ष कर रहे हैं हम, राजस्थान की टॉप पावर के साथ लड़ रहे हैं हम, टॉप पावर के साथ, और ये किसी बीजेपी का ये कोई बी टीम नहीं चल रही यहाँ पे, इनमें से आप किसी को भी पूछ लीजिएगा सबको पता है क्यों चल रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसको ये पता ही नहीं कि वो चल रहा क्यों है यहाँ, संघर्ष कर रहे हैं करते रहेंगे। धन्यवाद। ये तो शिवम गुड़ा मंत्री राज सिंह गुड़ा के सपुत्र हैं जो हम बात करें कि ऊंट गाड़ी यात्रा के तहत हर एक गाँव में जाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी लोग भी यहाँ पे इनकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। किशोर प्रसाद इस वक्त हम आपको लाइव कवरेज दिखा रहे थे। जय हिंद, जय भारत।